हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ जन्माष्टमी का प्रसाद यानी कि पंचमेवा पाक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आधी कटोरी ले लिया है मैंने किशमिश, आधी कटोरी ले लिया है बादाम, आधी कटोरी ले लिया काजू, एक कटोरी लिया है मैंने मखाने और एक कटोरी लिया है मैंने सूखा जो नारियल होता है कद्दूकस कर लिया उसे मैंने, और एक छोटी कटोरी ले लिया है मैंने खरबूजे के बीज, दो कटोरी ले लिया है चीनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, एक कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल दिया एक बड़ा चम्मच देसी घी, और अब मैं इसमें बादाम डाल दूंगी। फ्लेम मैंने मीडियम रखी है, इसको एक मिनट के लिए हम भून लेंगे। अगर आप सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके बनाएंगे तो पंचमेवा जो है आपका जो भोग है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से बनाने के लिए। और हमने काजू भी ऐड कर दिया है, इसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और मैं आप साथ डाल रही हूँ किशमिश। फ्लेम मैंने एकदम लो कर दी है क्योंकि किशमिश जो है बहुत जल्दी फूलने लग जाती है, तो फ्लेम एकदम लो रखना है। ये देखिए इनका जो कलर है चेंज हो गया है, तो अब मैं इसको निकाल लूंगी। ये फ्राई हो गए अच्छे से। ये अब मैं मखाने डाल दूंगी, मखाने को भी हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। ये भी फ्राई हो चुके हैं, अब इसको भी हम निकाल लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल, और फ्लेम मैंने एकदम लो कर दी है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं, तो ये जलने लग जाएंगे, तो फ्लेम एकदम लो रखना है। इसको भी एक मिनट के लिए इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और साथ में मैं इसके डाल दूंगी खरबूजे के बीज भी। अगर मैं खरबूजे के बीज जो है अलग से फ्राई करूंगी तो अलग वो चटकने लग जाते हैं, इधर उधर उछलने लग जाते हैं, तो इसी के साथ मैं इसको भी फ्राई कर दूंगी। ये भी बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, इनका भी कलर चेंज हो गया है, तो अब मैं इसको भी अलग से बर्तन में निकाल लूंगी। अभी जो मखाने हैं इसको मैं कटोरी से इसको एकदम क्रश कर लूंगी क्योंकि हमें एकदम बारीक सा नहीं पीसना है, मिक्सी में नहीं पीसना है, नहीं तो काफ़ी बारीक हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा मोटा ही चाहिए, तो मैं इस तरह से कटोरी से इसको मैश कर दूंगी। ये देखिए अच्छे से मैश हो गया है। अब हम इसकी जाल ले लेंगे, और इसमें जो मैंने बादाम और जो क्या कहते हैं काजू थे वो मैंने अलग कर लिए थे। हमें किशमिश को नहीं करना है मिक्सी में, तो इसको हम जरा सा एक मिनट के लिए हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। ज्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा मोटा ही रखना है इसे। ये देखिए इस तरह से करना है। अब एक मैंने बॉल ले लिया, उसमें ये जो मखाने हैं वो डाल रही हूँ इसके अंदर। नारियल भी डाल देंगे हम लोग। और जो हमने ड्राई फ्रूट को मिक्सी में पीसा था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, और डाल देंगे किशमिश। और मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ इसमें इलायची पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम उसी कढ़ाई में चीनी डाल देंगे। दो कप मैंने चीनी डाली है, तो उसी के हिसाब से मैं एक कप पानी डाल रही हूँ। आप कोई भी कटोरी या कप को मेजर कर सकते हैं। अब हम इसे फुल गैस पे हम इसे एक तार की चाशनी बनानी है। तो ये देखिए ये जो मैंने आपको मेजर बताया उसी के अकॉर्डिंग आप बनाओगे तो आपका पाक जो है बहुत ही टेस्टी बनेगा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अभी थोड़ा सा बाकी है, तो अभी हम एक दो मिनट के लिए और कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अब एकदम परफेक्ट है ये। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी, और जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ध्यान रखना है इस टाइम फ्लेम को बंद कर देना है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एकदम।
ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर दूंगी। इसी तरह से एक दो मिनट के लिए इस तरह से कंटिन्यू इसको चलाना है, फ्लेम लो करके ही चलाना है। ये बिल्कुल एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए। अभी एकदम परफेक्ट हो गया, तो मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ और मैंने एक प्लेट ले लिया और उस पर मैं देसी घी लगा रही हूँ। इस प्रोसीजर को हमें थोड़ा जल्दी करना है, नहीं तो वो फटाफट जमने लग जाएगा, तो हमें इसको अच्छे से फैला लेना है। आप चाहें तो पहले भी प्रोसीजर कर सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से डाल देंगे। अब इसको हल्का सा मैं इसको दबा दूंगी इसमें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए मैंने सही से सेट कर लिया। थोड़ा सा मैं ऊपर से पिस्ता डाल रही हूँ। ये देखने में भी अच्छा लगता है तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, तो ऊपर से मैं इसको गार्निश के तौर पे इसको पिस्ता कर रही हूँ ऊपर से। थोड़ा सा हम इसको सेट कर लेते हैं और 10 मिनट के लिए इसको साइड में रख देंगे ताकि थोड़ा सा नॉर्मल में हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इनको हम कट लगा लेंगे, क्योंकि अभी अगर 10 मिनट में हमने इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट से आराम से कट हो जाएंगे, नहीं तो ये बाद में थोड़े से जम जाते हैं तो टाइट हो जाते हैं, तो कटने में थोड़ा दिक्कत आती है। जिससे हम पहले से ही कट लगा लेंगे इसमें ताकि ये आराम से इजिली निकल जाए। इसी तरह से हम कट लगा लेंगे। आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं और अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ये देखिए मैंने इसी तरह से सारे शेप को काट लिया। अब इसको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। 2 घंटे हो गए हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हमारे जो ये पाग है ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, कईयों के बहुत हार्ड भी बन जाते हैं तो खाने में बड़ी दिक्कत होती है उन्हें, तो मेरे बहुत सॉफ्ट बने हैं ये। आप इसको 1 महीने के लिए स्टोर करके भी रह सकते हैं फ्रिज में और ये आप आराम से खा सकते हैं इसको। इसी तरह से देखिए हमें मैं पीसीस को आराम से निकालूंगी और ये देखिए हमारा जो पंचमेवा पाग है वो रेडी हो गया है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट बनाएंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।